अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा जंजान, आपकी खिदमत में नई नई वीडियो लेकर के हाज़िर होता हूँ। तो आज ये बर्फीला मौसम है, तो ये हमारे घर के पीछे छोटा सा गार्डन है घर का, तो उसके दरख्त देख लें आप। तो ये स्कॉटलैंड के मौसम का जो है ना नज़ारा है। अच्छा, इधर एक चीज़ काफ़ी नज़र आ रही है, ये लोहे का जो बना हुआ है, ये क्या है? यही सारी राज की बात है। ये एक लोहे की अंगीठी है, तो इसके अंदर जो है ना लकड़ी डाल करके आग लगा देते हैं और फिर इसके इर्द गिर्द बैठते हैं, और ये जो इसका मुंह है इससे जो है ना शोले निकलते हैं और धुआं निकलता है, और ये जो इसके नीचे अंगीठी है इसके अंदर जो है ना आग लगी होती है, और सर्दियों में स्काउटिश बच्चे इसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कंपनी करते हैं सर्दियों में घर के बाहर। तो ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मौसम आप देख ही रहे हैं, माशाल्लाह बर्फ़ गिर रही है, दरख्त जो है ना वो बर्फ़ में ढक चुके हैं, तो सफ़ेद चादर सी है, एक अच्छा व्यू दे रहा है सारा मौसम। तो अभी हम थोड़ा वॉक करेंगे, वॉक भी आपको साथ जो है ना शेयर करते चलेंगे, और उसकी भी वीडियो आपको बना करके ज़रूर दिखाएंगे। ये तो मेरी गाड़ी की भी ये हालत हुई है, बर्फ़ के अंदर ढकी हुई है, तो हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम पैदल वॉक करते हुए जाएंगे। ये हमारे मोहल्ले की पोजीशन है, मोहल्ला इन स्कॉटलैंड, देख ले उधर रोड पर वर्क शुरू हुआ है, और ये एक स्कूल है। ये बर्फपोश इलाके में बर्फ़ारी, सर्दी से बचने के लिए कोट पहना गया है। यहाँ इन्होंने अपना बात साफ कर लिया है। मंजर जो है ना, अगर ऐसे आप उठाने वो दरख्तों के आखिर तक, क्या नज़ारा है, जबरदस्त नज़ारा होगा, यकीनन जो भी देखेगा तो बड़ा खुश होगा। यह देख लें बड़ा सा मैदान, ये ग्रीन गार्डन पार्क होता है इधर, तो यह है कि बड़ा लंबा चौड़ा इसका इहाता है, और इस इहाते पर जो है ना मिसाल के तौर पे ये पगडंडी बनी हुई है जिस पे हम चल रहे हैं, और लोग अपने कुत्तों को लेके घूम रहे हैं। ये जो सामने झूले लगे हुए हैं जो कि बच्चों का पार्क है, और यहाँ बच्चे आकर के बास्केटबॉल खेलते हैं, वहाँ बास्केटबॉल बॉल की
की जगह है और यहाँ झूले हैं, बच्चे झूले इसमें आके झूला झूलते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, एंजॉय करते हैं बच्चे। अभी भी बच्चे निकले हुए हैं थोड़े बहुत बर्फ का मंजर देखने के लिए। तो ये जो बर्फ़ानी माहौल है, इस माहौल में तो मुख्तलिफ इलाक़े के लोग मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, लिहाजा हम तो ज़ाहिर बात है इधर यूके में रह रहे हैं तो यहाँ लोग जो है ना बर्फ़ को काफ़ी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो या जो इनके अपने ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा भी जो है ना कुछ प्रोग्राम काफ़ी का है जो कि सिंपल सा है, हम आज जो है ना काफ़ी बनाएंगे और काफ़ी पियेंगे। पाकिस्तान में जो है ना ये जो इलाका था हमारे उधर कोयटा के करीब कान में तरजई, वहाँ 6-6 फुट बर्फ़ पड़ जाती होती थी, यानी कि उनका रिकॉर्ड ये है कि 6 फुट तक बर्फ़ पड़ी उधर। तो वहाँ के एक पठान ने वाक्य सुनाया कि भाई तो फिर उन्होंने रिसर्च की इस पर कि वो लोग जो है ना उनके ज़िंदा रहने की वजह ये थी कि वो लांदी का गोश्त खाते थे और बकरे की खाल में बनी हुई लस्सी पीते थे। तो बकोले उस पठान के, उसने कहा क्या हमारा जो है ना मिसाल के तौर पे ये जो ट्रेडिशनली खाने पीने का हिसाब किताब है, लांदी का गोश्त शोरबा बना करके उसके अंदर रोटी तोड़ करके बड़े बड़े थालों में हशम में परात में गौरियों में वो बैठ के खाते थे और फिर साथ में जो है ना ये कावा चाय पीते थे और लस्सी पीते थे और वो भी बकरे की खाल में बनी हुई। सो इंटरेस्टिंग। बहरहाल मैं उस इलाके में रहा हूँ, मैंने उस इलाके को इंजॉय किया हुआ है, वहाँ के सेब बड़े मशहूर हैं। तो बल्कि काला कोलू सेब जो है ना वहाँ का तो बड़ा ही फंटास्टिक है, ज़बरदस्त। कभी आप लोगों का जाने का इत्तेफाक हो कान में तरजई का तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो कान में तरजई को ज़रूर इंजॉय करें जाके, क्योंकि वाकई वो जो है ना ट्रैवल करने की जगह है, क्या आप वहाँ का ट्रैवल करो। मेरी तरफ से आप सबको ये छोटा सा चहलकदमी, बर्फ़ानी चहलकदमी देखना इंजॉय हो, आप इंजॉय करें इस मौसम को हमारे साथ। तो वही मेरी एक अदा, वेल डन, अल्लाह हाफिज़।